हे एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कडेन एल्गोरिथम वो समझेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को हम खुद एक एग्जांपल से ही समझेंगे, एक क्वेश्चन से ही समझेंगे। और ये क्वेश्चन है मैक्सिमम सब एरे। ये जो मैक्सिमम सब एरे है ये लीट कोड की प्रॉब्लम नंबर 53 है। ये गीक्स फॉर गीक्स पे भी है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें यहाँ पे एक इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है। Find the continuous subarray containing at least one number which has the largest sum and return its sum. तो हमें ऐसा continuous subarray निकालना है, इसमें ऐसा continuous subarray निकालना है जिसका जो भी sum हो वो maximum हो, ठीक है? और उस subarray का size at least one तो होना ही चाहिए। मतलब खाली देखो, जैसे यहाँ पे एक अकेला element दिया हुआ है ना, तो अब हम इसका जीरो सम रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो सब एरे में होना ही चाहिए, ठीक है? अब सब एरे क्या होता है? कंटिन्यूस पार्ट होता है एरे का, ठीक है? तो हम इस एग्जांपल को समझते हैं। देखो, हमें यहाँ पे ये सब एरे दे रखा है। एक बार मैं सब एरे बता भी देती हूँ कि क्या होते हैं। देखो, हमारे पास ए बी सी तीन एलिमेंट्स है एक एरे में, ठीक है? अब इसके सब एरेज क्या क्या हो सकते हैं? ए से शुरू होने वाला अकेला ए हो सकता है, ए कॉमा बी हो सकता है, ए कॉमा बी कॉमा सी हो सकता है, ठीक है? तो हमने कौन सा ले लिया? ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है? उसके अलावा कौन से हो सकते हैं? बी से शुरू होने वाला अकेला बी हो सकता है, बी कॉमा सी हो सकता है, ठीक है? और सेम सी से शुरू होने वाला अकेला सी हो सकता है। तो ये क्या है? हमारे सब एरेज होते हैं, ठीक है? कि कंटिन्यूस पार्ट्स जो होते हैं ना एक एरे के, दैट आर कॉल्ड सब एरेज, ठीक है? अब हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, और हमें इसका क्या निकालना है? ऐसा सब एरे निकालना है जिसका मैक्सिमम सम हो, ठीक है? तो एक बार मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक छोटे एग्जांपल से समझाती हूँ। कि जैसे मेरे को यहाँ पे माइनस वन दे रखा है, टू थ्री और यहाँ पे माइनस फाइव दे रखा है, ठीक है? तो इसके सब एरेज क्या क्या आ सकते हैं? माइनस वन आ सकता है, माइनस वन कॉमा टू आ सकता है, माइनस वन कॉमा टू कॉमा थ्री आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये सारे सब एरेज लिख दिए। तो इनमें से कौन सा सब एरे है जो कि हमें मैक्सिमम सम दे, मतलब लार्जेस्ट सम दे? तो ये तो हमें एक ही सब एरे दिख रहा है जो कि क्या है? टू कॉमा थ्री है, ठीक है? तो ये वाला जो सब एरे होगा ये हमारा मैक्सिमम सम देगा, और वो मैक्सिमम सम क्या होगा? फाइव होगा, बिल्कुल। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब मैं इसकी सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगी, और फिर उसके बाद में बताऊंगी कि इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को छोड़ के कडेन क्यों लगाई हमने और कडेन क्या होती है, ठीक है? इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करते हैं, ये देखो, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी ओएन स्क्वायर वाली होने वाली। अब कैसे होगी मैं बताती हूँ। देखो, जैसे मैंने माइनस टू को लिया, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, मतलब जितने भी पॉसिबल सब एरेज इनके साथ में इसके बन रहे हैं ना, उन सभी का सम मैंने ले लिया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक लूप यूज किया, आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन जो भी इस एरे का साइज है, मान लो एन है, मैंने n माइनस वन तक चलाया है। इसे क्यों चलाया वो भी पता चलेगा, और i प्लस प्लस, ठीक है? एक लूप ये चलाया, और इसी के अंदर एक लूप चलाया मैंने j इक्वल टू i प्लस वन से, और यहाँ पे सम इक्वल टू मैंने कुछ नम्स ऑफ i रख दिया, ठीक है? j इक्वल टू i प्लस वन से j लेस देन n तक हमारा, कॉमा j प्लस प्लस, ठीक है? और यहाँ पे हमने सम इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ आई करा दिया, और यहां से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं केवल चार एलिमेंट्स की बात करूं तो हम ए का सम इन सभी के साथ में देख रहे हैं, ठीक है? फिर हम बी का इन सभी के साथ में देख रहे हैं, फिर हम सी का इन सभी के साथ में देख रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सारे के सारे सब एरेज निकाल के लेके आ रहे हैं
उनका सम ले रहे हैं और फिर उनमें से मैक्सिमम लेके आ रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी ओ एन स्क्वायर अप्रोच, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी ओ एन स्क्वायर की अप्रोच। पर क्या पता मैं तुम्हें कह दूं कि अब तुम्हें मैक्सिमम सवेरे सम निकाल के लेके आना है ओ एन में, तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कडेन एल्गोरिदम का। जब हमें मैक्सिमम सवेरे सम ओ एन में निकालना होगा तब हम यूज करेंगे कडेन एल्गोरिदम का, ठीक है। अब कडेन क्या होती है वो समझते हैं। देखो अब मैं कडेन समझाती हूँ कि कडेन क्या होती है। देखो मैंने यहाँ पे एक सम वेरिएबल लिया और मैंने सम को जीरो रखवा लिया, ठीक है, और एक आंसर वेरिएबल भी लिया जिसको मैं कुछ बड़ी वैल्यू रखवा रही हूँ, मान लो 9999 रखवा लिया मैंने, ठीक है। आंसर वेरिएबल क्या होगा, जो भी हमारा मैक्सिमम सम होगा वो हमें लाके देगा, और ये जो सम वेरिएबल होगा ना ये हमारे सब एरेज के सम को रखेगा। अब कैसे रखेगा देखते हैं। हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी हमारा सम कितना हो गया, अभी हमारा सम -2 हो गया, ठीक है, और मान लो कि केवल इतना ही सबेरे है तुम्हारे साथ पास में, इतना ही सबेरे तुम्हारे पास में है, ठीक है, तो सम तो हमारा -2 हो जाएगा और आंसर भी क्या हो जाएगा, अभी हमारा आंसर भी हमारा -2 ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम 1 पे आए, ठीक है, अभी मैंने -2 + 1 करवाया है यहाँ पे, तो ये कितना आ गया हमारे पास -1 आ गया, और जो भी हमारा सम है वो हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे सम हमारा क्या है अभी तक में नेगेटिव है। और जब मैंने इतने सबेरे को लिया तब हमारा सम क्या आया यहाँ पे नेगेटिव आया। अब मान लो मैं केवल इस अकेले 1 को ही लेती हूँ, तो मैंने सम को दोबारा से 0 करवाया और जो भी सम था उसमें मैंने इस 1 को ऐड करा लिया, ठीक है, 1 को ऐड करा लिया, तो अब हमारा आंसर कितना हो गया 1 हो गया। कि अगर मेरे पास सबेरे इतना है तो इसमें हमारा मैक्सिमम सम कितना होगा 1 होगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, इधर तक में मुझे सम मिला -2, यहाँ तक में मुझे मिला 1, ठीक है, कि ये अकेला एलिमेंट क्या पता आगे जाके और बड़े एलिमेंट के साथ में मिलके लार्जेस्ट सम बना ले, ठीक है। नेगेटिव को क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो अगर मैं नेगेटिव को ऐड कर देती तो ये तो ऑलरेडी हमारे सम को डिक्रीज ही करेगा ना, इसलिए मैंने इससे शुरू होता हुआ एक सबेरे ले लिया। अब मैं यहाँ पे 3 पे आई तो सम कितना हो गया हमारा -2 हो गया और सम हमारा दोबारा से क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, सम हमारा दोबारा से नेगेटिव है, यहाँ पे सम नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे मैंने सम को 0 करा दिया। अब मैं आगे बढ़ी, क्योंकि देखो सम को 0 इसलिए करवाया क्योंकि अगर मेरा जो सम है जो नेगेटिव आ रहा है तो वो आगे किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ने पे भी सम को डिक्रीज ही करेगा ना, इंक्रीज तो करेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा दिया, इसको 0 करा दिया। अब मैं 4 पे आई तो सम कितना हो गया मेरा 4 हो गया और आंसर भी मेरा अपडेट हो गया कि अब अगर मेरे पास में इतना एरे है तो इसमें हमारा जो भी सबेरे जो कि मैक्सिमम सम देगा वो 4 ही देगा। क्योंकि देखो अब तुम बोलोगे कि इतना ले लो, तो इतने का कितना आएगा -2 + 4 + 2 आएगा, तो ये जो नेगेटिव पार्ट था वो इसके साथ मिलके सम को डिक्रीज ही करवा रहा था, तो इसलिए हमने केवल इससे स्टार्ट होने वाला एक सबेरे ले लिया जिसका सम मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, सम कितना आ रहा है -1 करवा दिया तो ये 3 आ रहा है, अभी भी पॉजिटिव आ रहा है पर मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सम हमारा 3 आया। फिर हम और आगे बढ़े, सम कितना हुआ हमारा और इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 5 आ गया और हमने इस 4 को क्या करवा दिया 5 से अपडेट करा दिया, ठीक है, क्योंकि सम पॉजिटिव है ना और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो इंक्रीज ही होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए
तो हमने प्लस वन करवाया और सम कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, और आंसर को भी हमने अपडेट करा के 6 करा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, 6 - 5 कितना हो गया, 1 हुआ। अभी भी हमारा सम पॉजिटिव ही है, ठीक है, अभी भी हमारा सम पॉजिटिव ही है, और क्या पता ये आगे किसी के साथ मिलके और ज्यादा बड़ा सम बना दे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, तो 1 + 4 हमारा 5 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कडेन की हेल्प से हमने जस्ट ओ एन में इस केस में हमारा ये वाला जो भी सब एरे है वो मैक्सिमम सम दे रहा है उसको निकाल के लेके आ गए, तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका, 6 हुआ। तो जस्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हमारा सम नेगेटिव आ रहा है, जब हमारा सम नेगेटिव आ रहा है तो हम उस पूरे के पूरे सम को ड्रेन करा के जीरो करवा रहे हैं, कि वो तो कभी हमारा मैक्सिमम बन ही नहीं सकता। ठीक है, ओवरऑल सम को डिक्रीज ही करेगा ना, इसलिए हमने उसको क्या करा दिया, सम इक्वल टू 0 करवा दिया। ठीक है, और अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको इंक्लूड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ओ एन में कडेन एल्गोरिदम की हेल्प से इजीली निकाल के लेके आ रहे हैं मैक्सिमम सब एरे सम। अब ये जो कडेन एल्गोरिदम है ना, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है, क्योंकि देखो ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ही तो ला रही है यहाँ पे, ऑप्टिमली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि कैसे, कि अगर यहाँ पे है ना नेगेटिव आ गया तो उसको सम में मत लो, और क्या पता वो खुद स्टार्ट हो गया किसी के साथ मिलके मैक्सिमम सम बना ले। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो भी मैक्सिमम सम है उसको स्टोर करा लो, और आगे वो कितने एलिमेंट्स के साथ में मैक्सिमम सम और बना रहा है उनको निकाल लो। ठीक है, तो हम पहले इसके कोड को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक इंट सम इक्वल टू 0 बनाया, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा सम ऑफ सब एरेज। ओके, मैंने एक इंट आंसर इक्वल टू इंट मिनिमम बनाया। ठीक है, अब मैंने एक फॉर लूप चलाया यहाँ पे। हाँ, एक बात मैंने और नहीं बताई यहाँ पे, वो ये है कि अब तुम बोलोगे कि ठीक है इसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, पर क्या पता मेरे पास -1, -2, -3 -4 आ जाए। ठीक है, इसमें तो सारी के सारी ही एलिमेंट्स नेगेटिव है, पर इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, -1 होगा। ठीक है, तो नेगेटिव के केस में जस्ट हम नम्स ऑफ आई को देख के हमारा जो भी आंसर होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट साइज तक मैंने लूप चलाया, कॉमा आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब मैंने सम निकाला यहाँ पे कि सम इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ आई हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या केस हो सकता है, कि या तो मेरा सम पॉजिटिव हो जाए या फिर 0 के इक्वल हो जाए, क्योंकि 0 का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ना ही सम को कम करेगा ना ही सम को इंक्रीज करेगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, हमारा सम नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अब देखो जब हमारा सम पॉजिटिव है तो सिंपली हम उसको आंसर में कंसिडर करेंगे, कि हो सकता है उतने सब एरे का सम हमारा आंसर बना ले। ठीक है, और जब हमारा सम नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या करा देंगे, सम को 0 करा देंगे, आंसर इक्वल टू यहाँ पे भी मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम कर देंगे, कि क्या पता सारे के सारे एलिमेंट भी हमारे क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, और यहाँ से सिंपली हम रिटर्न आंसर कर देंगे, इसको रन करके देखते हैं अपन। तो देखो आ गया हमारा यहाँ पे सही आंसर। एक मैं नेगेटिव के केस के लिए भी बताती हूँ, कि यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट ही मेरे नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, देखो हमारा सम क्या आ गया, इससे -2 आ गया,
हम लोग अगर हमारे पास ये चार एलिमेंट है ना ए बी सी डी, तो इन चारों में से जो भी सब एरेज का पॉसिबल सम हो सकता है उसको देख रहे हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जस्ट इंट्यूटिवली सोच रहे हैं कि अगर मेरा सम पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव सम आगे किसी पॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलके, या फिर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी कह सकते हैं, इन दोनों में से किसी के साथ मिलके पॉजिटिव सम ही बना सकेगा। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव सम हमेशा सम को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और नेगेटिव सम हमेशा हमारे सम को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके सोच के हमने ओएन में, केवल ओएन में कडेन एल्गोरिदम के यूज से मैक्सिमम सब एरे सम निकाला। ठीक है, आई होप आपको कडेन एल्गोरिदम क्लियर हो। अगर आपको कडेन एल्गोरिदम समझ आई हो या फिर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।